गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हम लोग लाइन एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 7C में फर्स्ट थ्योरम देखे थे। आज हम लोग थ्योरम नंबर सेकेंड देखेंगे, थ्योरम नंबर टू। थ्योरम नंबर टू क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, then each pair of consecutive, then each pair of consecutive इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी टू पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होता है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो पैरेलल लाइन एल एंड एम, ठीक है, और इस पे एक ट्रांसवर्सल कट एन करा देते हैं। अब यहां तो एंगल बनेंगे, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन और एंगल एट। यहां एंगल बनेंगे, क्लियर है? इससे पिछले क्लास में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अभी हमको गिवन क्या है? तो गिवन है एल पैरेलल एम एंड एन इज ए ट्रांसवर्सल एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? नो, नहीं होना चाहिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ की बात जब हम करते हैं तो हमको यहां देखना है कि दो कंसेक्यूटिव एंगल कौन कौन है। तो एंगल थ्री और एंगल फाइव, अंदर के दोनों जो एक साइड के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल कंसेक्यूटिव होते हैं, और इस साइड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। एंगल थ्री और एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना है? एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और हम मुझे प्रूफ करना है कि इस दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ, अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स, सबसे पहले क्या
एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव होता है, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे दो क्लास पहले। एन इज ए लाइन, और एन क्या है, एन इज ए लाइन मान लो, ठीक है। देयरफॉर जब एन इज ए लाइन है तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सर, अब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ एन लाइन है, मान लीजिए सपोज कर आप कह रहे हैं कि एन एक लाइन है, हम मान लिए कि एन लाइन है, तो फिर ये एंगल वन और एंगल थ्री का सम 180 डिग्री कैसे हो जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल? तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, चूंकि लीनियर पेयर का थ्योरम हम आपको पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, और उसमें बताया गया है कि जब भी, एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं कि एक रे है, यहां से अगर हम एक खड़ा करते हैं तो इसके दोनों स्टैंड खड़ा करते हैं तो इसके दोनों साइड एंगल बनता है, और एंगल बनना बनता है तो इस दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, आपको बताया जा चुका है रिकॉल के लिए, फिर हम आपको ये चीज रिकॉल कराते हैं। तो लीनियर पेयर के अनुसार एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या है, 180 डिग्री। जब एंगल वन जो है एंगल थ्री के इक्वल है तो लीनियर पेयर से यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल फाइव प्लस एंगल थ्री यानी 180। ये हमारा एक प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड की बात करें तो फिर वही अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स सेकेंड की बात करते हैं तो एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स। सेकेंड की जब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स कैसे, साइड में हम इस पे भी लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स, ठीक है। अब फिर यहां भी लीनियर पेयर का यूज होगा, एंगल टू प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल टू प्लस एंगल फोर लीनियर पेयर से 180 डिग्री, जब एंगल टू जो है एंगल फोर के इक्वल है तो ये क्या होगा, टू को हम यहाँ सिक्स लिख सकते हैं, एंगल सिक्स प्लस एंगल फोर इसका टू 180 डिग्री, ये हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम नंबर टू भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है, जो दो थ्योरम हम आपको बताए हैं, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, इस दोनों थ्योरम का कन्वर्स दिए हुए हैं बुक में, तो आप लोग इस दोनों थ्योरम को प्रैक्टिस करते हुए वो दो कन्वर्स जो दिए हुए हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप में क्वेश्चन राइज करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन कल होके दे दिया जाएगा, और आप लोग एक्सरसाइज 7C को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।